हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करते हैं दोस्तों। दोस्तों आज हम लोग समझने वाले हैं बाइक सर्विसिंग करने से पहले क्या क्या सर्विसिंग में चेक किया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में समझने वाले हैं। दोस्तों प्लीज़ चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड शुरुआत करते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, अगर बाइक कोई भी सी बाइक हो, कोई सी भी मॉडल की बाइक हो, अगर आपके पास में बाइक की सर्विसिंग कराने आ रहा है दोस्तों, तो उस बाइक में क्या क्या चेक करनी चाहिए दोस्तों, उचित रहेगा दोस्तों। पहले सबसे पहले सर्विसिंग करने से पहले उसमें चेक कर ले कि ये चीज़ ख़राब है, इतना कि खर्च आएगा दोस्तों, कस्टमर को बताने जरूरी है दोस्तों कि हो सकता है दोस्तों कि आपको सर्विसिंग कर दे, बाद में पैसा देना ना दे ना ही पाए तो दिक्कत हो सकता है दोस्तों। इसलिए सबसे पहले बाइक की सर्विसिंग में क्या क्या होता है दोस्तों, ये भी चेक करना जरूरी है दोस्तों। तो सर चलिए दोस्तों बाइक में क्या क्या चेक करें इस वीडियो में समझते हैं दोस्तों। और नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बनता है दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एंड शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर बाइक आपके पास में आ रहा है दोस्तों, आप एक बाइक मैकेनिक है, बाइक सर्विसिंग कराने कोई सी भी मॉडल की बाइक आ रहा है, तो सबसे पहले दोस्तों बाइक को स्टार्ट करें। ठीक है दोस्तों, बाइक को स्टार्ट करने के बाद दोस्तों बाइक की आवाज़ साउंड चेक करना है। ठीक है दोस्तों, बाइक के साउंड में क्या क्या आवाज़ क्या क्या चेक करना है दोस्तों। सबसे पहले टाइमिंग चेन आवाज़ करता है दोस्तों, टाइमिंग चेन की आवाज़ चेक करना है दोस्तों। उसके बाद टाइपिट की आवाज़ चेक करना है। ठीक है दोस्तों, टाइपिट की आवाज़ चेक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्लच प्लेट की चेक करना है दोस्तों कि हमारा पिकअप सही है या ख़राब है। कार्बोरेटर की दोस्तों माइलेज चेक करना है कि हमारा माइलेज कैसा दे रहा है दोस्तों, गाड़ी चलाकर चेक करने के बाद पता चल जाता है दोस्तों माइलेज कैसा दे रहा है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इंजन का कंडीशन कैसा है, स्मोक धुआं दे रहा है दोस्तों कि ब्लैक धुआं दे रहा है कि व्हाइट धुआं दे रहा है दोस्तों, इंजन की कंडीशन चेक करना है। इंजन की अगर कंडीशन ना चेक करे दोस्तों, अगर बाइक की सर्विसिंग कराए दोस्तों, बाद में अगर स्मोक उठा लेता है दोस्तों, तो आपको शिकायत होने की मौका एक मिल जाता है दोस्तों कि उस मैकेनिक उस बाइक मैकेनिक लग सर्विस करवाएं वो अच्छा नहीं कि दोस्तों एक महीने में ही धुआं उठा लिए, पाँच दिन में धुआं देने लगा बाइक। इसलिए सबसे पहले इंजन की कंडीशन चेक करना है दोस्तों कि कब तक इंजन की लाइफ है दोस्तों, उसको बताना पड़ता है दोस्तों कस्टमर को कि हाँ आपको इतने दिन आपको चलेगा दोस्तों। तो ये है दोस्तों इंजन की कंडीशन चेक करना है दोस्तों, धुआं एक्सीलेटर लेकर दोस्तों कि आपको बाइक को धुआं स्मोक धुआं दे रहा है या ना दे रहा है दोस्तों, इंजन ऑयल उसमें से कितना निकल रहा है दोस्तों, इसका भी ध्यान आपको चेक करना जरूरी है दोस्तों। इंजन उसमें है या नहीं दोस्तों, आपको बाइक स्टार्ट कर लीजिएगा दोस्तों तो पता चल जाता है दोस्तों कि इंजन और उसमें है या नहीं है दोस्तों। ये रहा दोस्तों इंजन से संबंधित। सबसे पहले दोस्तों इंजन की टाइमिंग चेक करना है, क्लच प्लेट चेक करना है दोस्तों, टाइपिट चेक करना है, स्पार्क प्लग की चेकिंग करना है दोस्तों, इंजन ऑयल की इसमें है या नहीं दोस्तों, इसको चेक करना ही करना है दोस्तों। आपको बाइक को स्टार्ट कर दोस्तों सबसे पहले कि इसका आवाज़ कैसा है दोस्तों, इंजन की कंडीशन भी चेक करना है कि इंजन की कंडीशन कैसा है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों ऊपर झापड़ के काम दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों एयर फिल्टर की आपको खोलने से ही पता चलेगा दोस्तों ख़राब है या बढ़िया है, तो उसे मैकेनिक से पूछ लीजिए दोस्तों एयर फिल्टर आपने चेंज करवाए हैं या कितने कब की सर्विस करवाए हैं, तो उससे पता चल जाता है दोस्तों कि आपने सर्विस करवाए हैं तो एयर फिल्टर डला हुआ है नहीं डला हुआ है। उसको एयर फिल्टर को आपको चेंज करने की ज़रूरत है तो कर सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आपको अपने ध्यान देना है कि एयर फिल्टर की सही है या ख़राब है दोस्तों, इस ये चेक करना है दोस्तों, वो हो गया दोस्तों। दूसरे बात दोस्तों आते हैं दोस्तों हमारा ऑयल फिल्टर को दोस्तों, तो हर सर्विस में चेंज होता ही है दोस्तों, तो इसका भी हमारा ऑयल फिल्टर की चेंज होना ही है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों सबसे पहले आगे आएंगे, आगे सबसे पहले दोस्तों व्हील को नचा कर देखेंगे हमारा व्हील जाम तो नहीं है, जाम बैरिंग टूटा हुआ है दोस्तों, या ब्रेक केबल ख़राब है, या स्पीडोमीटर के गियर तो हो सकता है, स्पीडोमीटर के पैनल होता है दोस्तों गियर होता है वो तो ख़राब नहीं है, उसको भी चेक करना है दोस्तों। तो हो सकता है दोस्तों स्पीडोमीटर के गियर ख़राब हो, चाका टक्कर टक्कर चलाओ, फंस फंस कर चलाओ, जाम चला दोस्तों, ब्रेक जाम हो, ब्रेक केबल ख़राब हो, तो उसको भी चलाए दोस्तों, स्पीडोमीटर ना चले तो उसको भी चेक करना जरूरी है दोस्तों। ये तो मिनिमम आपको बाहर से ही पता चल जाता है दोस्तों, देखने से ही पता चल जाएगा, तो ये आपको ध्यान देने वाले दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आगे उसके बाद में ब्रेक शू चेक करना है दोस्तों, ब्रेक शू सबसे पहले आगे हो या पीछे का हो, ब्रेक सोल आपको चेक करना ही करना है दोस्तों। स्पीडोमीटर हो गया दोस्तों, पेनियल भी आपको चेक करना ही करना है दोस्तों, आपको इतना सारा जानकारी हो गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आगे की जो हैंडल होता है दोस्तों, हैंडल की कौन सेट होता है दोस्तों, बॉलेसर जिसको हम लोग बोलते हैं, बॉलेसर को भी चेक करना है दोस्तों, हैंडल की सेटिंग करना है दोस्तों, हैंडल की रबर भी चेक करना है दोस्तों, हैंडल की जो रबर होता है कट जाता है कितने बाइकों में दोस्तों, तो हैंडल की रबर भी चेक करना है,
और हैंडल की साइज़ भी चेक करना दोस्तों, कितना हैंडल टेढ़ा रहता है दोस्तों, तो उसको भी आपको चेक करना ज़रूरी है दोस्तों, उसको भी आपको चेक करना ज़रूरी है हैंडल की। और हैंडल की स्टेयरिंग भी चेक करना है कि आपको कहीं स्टेयरिंग हैंडल सीधा है, स्टेयरिंग थोड़ी तीसरा जा रहा है दोस्तों, तो आपको स्टेयरिंग भी आपको चेक करना ज़रूरी है दोस्तों, स्टेयरिंग। उसके अलावा दोस्तों आगे नीचे आइएगा दोस्तों, तो आपको मडगार्ड भी, आपको कितना आदमी को मडगार्ड दोस्तों, बाइक को का मडगार्ड ढपा 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 करता रहता है दोस्तों, उसको भी चेक करना है दोस्तों, ढपा ढपा नहीं बजना चाहिए दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों शॉकर की भी चेक करना है, शॉकर तो लीक नहीं है या है, ये आपको चेक करना ही करना है दोस्तों। बाइक सर्विसिंग करने से पहले दोस्तों आपको चेक करना है कि क्या क्या चीज़ खराब है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कितना आदमी आता है दोस्तों, तो आपको कहता है दोस्तों कि ये कौन कौन चीज़ खराब है दोस्तों, सर्विसिंग करने वाला हुआ है बाइक हमारा कि नहीं हुआ है, आप चेक करके थोड़ा बताइए कि कितने की खर्च आएगा दोस्तों, तो आपको ये सब चेक करना ही करना पड़ता है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों इंडिकेटर जल रहा है या नहीं जल रहा है दोस्तों, हॉर्न बज रहा है कि नहीं दोस्तों, वायरिंग कहीं से कटा फटा नहीं रही दोस्तों, वो चेक करना है दोस्तों। उसके बाद में हेडलाइट जल रहा है कि नहीं जल रहा है दोस्तों, हेडलाइट तो ऊपर नहीं जा रहा है दोस्तों, नीचे तो ज़्यादा नहीं जा रहा है, सेंटर में चेक करना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे दोस्तों फ्यूल मीटर हमारा जो पेट्रोल मीटर होता है दोस्तों, वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसको भी चेक करना है दोस्तों। उसको हैंडल लॉक दोस्तों, लॉक की इग्निशन स्विच हमारा लग रहा है या नहीं लग रहा है दोस्तों, उसको भी चेक करना जरूरी है दोस्तों, जरूरी बन जाता है दोस्तों, चोरी वगैरह बाइक होने का डर रहता है दोस्तों, इग्निशन स्विच को आपको चेक करना ही करना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्लच केबल आपको दोस्तों केबल चेक करना है, क्लच केबल ख़राब तो नहीं दोस्तों, क्लच प्लेटें ख़राब तो नहीं हो तो हमारा बाइक इंजन चलाते कर हमें पता चल जाएगा दोस्तों, केबल वगैरह चेंज कर लीजिए, एक्सीलेटर केबल भी चेंज कर लीजिए दोस्तों, बाइक चलाइए दोस्तों, चाइनीज पॉकेट की भी पता चल जाएगा दोस्तों, चाइनीज पॉकेट ख़राब है बढ़िया है दोस्तों, उसका चाइनीज पॉकेट का बैरिंग भी आपको चेक करना पड़ेगा दोस्तों, ख़राब है बढ़िया है। उसके बाद दोस्तों आगे वाला हो या पीछे वाला ब्रेक शूज का आपको चेक करना है दोस्तों, और साथ में दोस्तों एक कंपनी रबर भी होता है दोस्तों, उसको भी चेक करना पड़ता है दोस्तों, कि कमर अपने रबर तो खराब नहीं है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको आ जाता है दोस्तों बैटरी की पोजीशन कैसा है दोस्तों, बैटरी की चलने वाला है कि सेल्फ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है दोस्तों, बैटरी की क्वांटिटी कैसा है, क्वालिटी कैसा है दोस्तों, दोस्तों वो चलने वाला है या नीचे कितने किलोमीटर चलेगा दोस्तों, इसको भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बैटरी आपको चेक करना ही करना पड़ेगा दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों चाइनीज पॉकेट की हो गया दोस्तों, बैटरी भी हो गया दोस्तों, स्प्रोकेट बैरिंग भी आपको चेक करना है दोस्तों, हैंडल रबर भी चेक है दोस्तों, बैक लाइट भी हो दोस्तों, बैक लाइट बल्ब दोस्तों, बैक लाइट बल्ब हो या बैक लाइट इंडिकेटर साइड इंडिकेटर हो, इसको भी आपको चेक करना पड़ेगा दोस्तों, कोई सी भी आए दोस्तों इसको भी चेक करना है दोस्तों। आप बाद में दोस्तों जो साइलेंसर पत्ती दोस्तों होता है साइड में, साइलेंसर पत्ती झनझन झनझन आवाज़ करता है दोस्तों, साइलेंसर पत्ती भी आपको आवाज़ चेक करना है दोस्तों। उसके बाद साइड में आइए दोस्तों, तो आपको दोस्तों क्या कहते हैं चैन कवर की कुट 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 की आवाज़ चलने पर आता है दोस्तों, उसकी आवाज़ करता है दोस्तों, पीछे तेल पिनल की आवाज़ आता है दोस्तों, उसको भी आपको सही सेट कर चेक कर लेना है कि अब हमारा आवाज़ आ रहा है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों डिस्क ब्रेक होता है दोस्तों, डिस्क ब्रेक में ऑल कितना है दोस्तों, उस पर देखने वाले रहते हैं दोस्तों, उसको चेक कर लेना है कि हमारा डिस्क ब्रेक होता है दोस्तों कि ना होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों पेट्रोल पाइप सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, पेट्रोल पाइप हमारा चेक करना है दोस्तों कि कहीं से फटा है या नहीं दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों बैटरी हो गया दोस्तों, व्हील की हमने जाम है या नहीं दोस्तों, ये है दोस्तों चेक करने का तरीका दोस्तों। आपका बाइक सर्विसिंग के लिए आ रहा है दोस्तों, तो कौन कौन सी चीज़ आपको चेक करना है दोस्तों, इस वीडियो में जानने को मिला दोस्तों। इसके अलावा कुछ छूट गया होगा दोस्तों आपके हिसाब से कि हाँ ये चीज़ आपने छोड़ दी है, तो नीचे कमेंट कर जरूर बताइए दोस्तों कि ये सामान छूटा हुआ है दोस्तों, कि ये सामान ऐड कर लीजिए दोस्तों, कि ये चेक करना है दोस्तों, तो नीचे कमेंट कर लीजिएगा दोस्तों, तो पता चल जाता है दोस्तों कि कितना मैकेनिक दोस्तों कमेंट भी पड़ता है दोस्तों कि ये छूटा हो तो उसमें इंक्लूड कर ले दोस्तों। तो आप क्या कीजिए कि आप एक दोस्तों देख सकते हैं हमने एक लिस्ट बनाया है, तो क्या क्या चेक करना है दोस्तों, सबसे पहले बाइक सर्विसिंग आए तो एक लिस्ट बनाइए आप, और एक दीवार पर हो या कुछ फ्रेम किताब कॉपी में हो उसको एक लिस्ट बनाकर टांग दीजिए, और कोई भी अगर बाइक टेस्टिंग करवाने आ रहा है कि सर्विसिंग हमारा क्या क्या चीज़ ख़राब हुआ है, तो उसको बताइए कि देखिए सर हमने एक लिस्ट बनाए हुए हैं आपके, आपको बाइक में ये चीज़ हमारा हमको चेक करना है, कि इस चीज़ चेक होगा दोस्तों, एक लिस्ट बनेगा उसके हिसाब से जो खराबी होगा दोस्तों वो किया जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आप लिस्ट बना सकते हैं दोस्तों, और अपने दीवार पर हो ये चिपका सकते हैं, और मेके कस्टमर आए तो उसको बता सकते हैं दोस्तों कि ये चीज़ आपको ख़राब है और ये चीज़ का आपको इतना के खर्च आएगा दोस्तों, अपने हिसाब से जोड़कर बता सकते हैं दोस्तों। ये चेक किया जाता है दोस्तों हमारे बाइक सर्विसिंग करने से पहले दोस्तों,
और बाइक सर्विसिंग कर लीजिएगा दोस्तों, तो आपको पता चल ही जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से कुछ नॉलेज मिला होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और फिर से मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जानकारी में दोस्तों। तो वीडियो को लाइक बनता है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी बनता है। चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं किसी नेक्स्ट अनबॉक्सिंग वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।